असलकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम योर टीचर नीलुफ रमज़ान टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑन योर पॉलिटिकल साइंस बुक द टॉपिक इज़ व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है डियर स्टूडेंट्स ये वर्ड पार्लियामेंट जो है इसका हम अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या है इसकी मीनिंग पार्लियामेंट निकला है फ्रेंच वर्ड पार्लर से ठीक है French word पार्लॉ which means speak. ठीक है तो इससे हमें अंडरस्टैंड होता है कि पार्लियामेंट वो बॉडी है जिसमें बोलने का हक दिया जाता है ठीक है हाँ पार्लियामेंट जो है डे स्टूडेंट्स ये हाइस्ट लेजिस्लेचर बॉडी है हाइस्ट लेजिस्लेचर बॉडी का मतलब है कि इसमें वो मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर हो गया जिसमें कानून बन बनता है ठीक है तो हाइस्ट लेजिस्लेचर बॉडी हो गया वो जिसमें वो मेंबर्स हो जो मुल्क के लिए कानून बनाते हैं और ये अला तरीन होती है हाइस्ट ठीक है तो पार्लियामेंट हाँ डेयर स्टूडेंट्स यू हैव स्टडीड इन योर हिस्ट्री बुक कि इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत थी ठीक है तो ब्रिटिश हुकूमत में इंडियंस को कोई भी किसी भी टाइप की आज़ादी नहीं थी और यहाँ पे कांग्रेस थी पॉलिटिकल पार्टी जो थी मेन वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इन्होंने यहाँ इंडियंस ने बहुत सारी जदोजहद की अंग्रेजों के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट किए और कांग्रेस ने भी बहुत सारे मोमेंट्स जदोजहद की बाद में उन मोमेंट से ही जदोजहद से ही इंडिया को आज़ादी मिली अंग्रेजों से और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बन गई में तो उन्होंने एटीन हंड्रेड एटी फाइव में ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ पे लेजिस्लेचर बनाया था जो उनको अपना जैसे वो जिसमें वो कानून बनाते थे इंडिया के लिए तो कांग्रेस ने डिमांड की कि इस लेजिस्लेचर में हिंदुस्तानियों को भी रखा जाए ठीक है इसमें जो लेजिस्लेचर है इसमें हिंदुस्तानी मेंबर भी जो बजट बनाते हैं ये ब्रिटिशर्स बजट uh, हो गए ना ये किस uh, yearly, uh, ये जो पैसे हैं वो किस काम के लिए खर्च किए जाए ठीक है ये वो तो उस प्लान ईयरली प्लान होता है वोट द इनकम ये टू स्पेंड ऑन डिफरेंट थिंग्स ठीक है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तो ये जो है तो इसमें कांग्रेस ने डिमांड की कि इंडियंस भी इस बाजिस्चर में रखी जाए उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि इस लजिस्लेचर में इंडियन मेंबर्स को भी रखा जाए ताकि वो भी बजट के बारे में वहाँ पे अपना मशवरा दें और वो भी सवाल जवाब सवाल पूछें अगर कुछ गलत हो रहा है हिंदुस्तान के साथ बजट में गलत ये डिसीजन दिए दे जाते हैं तो इंडियन उससे सवाल पूछते हैं सवाल पूछ सके ठीक है इंडियन सवाल पूछें कि ऐसा क्यों होता है और वहाँ पे उनको जवाब मिले तो अल्टीमेटली ये काम कामयाब हो गई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक जब यहाँ पे हिंदुस्तानियों ने बहुत सी जदोजहद की तो आखिरकार उनको मजबूर होकर उन्होंने एक एक्ट बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या क्या हुआ इन्होंने अलो किया फॉर सम इंडियन रिप्रेजेंटेशन ठीक है अलाउड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिसलेटर ठीक है इन लेजिसचर तो जो लेजिस्लेचर था लेजिस्लेचर आपको अंडरस्टैंड हो गया कि जिसमें वो मेंबर्स हो जो मुल्क के लिए कानून बनाते हैं और इसमें इन्होंने एलो किया इंडियन मेंबर्स को भी ठीक है हाँ स्टूडेंट्स ब्रिटिश पीरियड में किसी भी एडल्ट को जो एटीन इयर्स से बड़ा हो तो या किसी इनको ये राइट नहीं था वो डालेगा का ठीक है अल्टीमेटली ये हुकूक जो इंडियंस को ये वो ख्वाहिश करते थे कि हमें ये हुकूक मिले वो उनको आज़ादी के बाद ही मिले और यहाँ पे आज़ादी कब मिली इंडिया को फिफ्टीन अगस्त 1947 में और 15 अगस्त 1947 में ही यहाँ पे फिर जब यहाँ अपना लेजिस्लेचर बन गया फ्री इंडिया का लेजिस्लेचर उसमें ये उसूल रखा गया ठीक है प्रिंसिपल बोलते ठीक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कि जो भी सारे एटीन इयर्स से बड़े हैं उनको राइट है कि वो वोट डाल सके ठीक है उनको हक है कि वो वोट डाले तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता है चाहे वो किसी भी मज़हब का हो यूनिवर्सल हो गए कि कोई भी शबू को किसी भी मज़हब का किसी भी ज़ात का किसी भी स्टेट का इंडिया की स्टेट में हर एक वो डाल सकता है ठीक है हाँ डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे अब इलेक्शंस इन पार्लियामेंट एलेक्शन इन पार्लियामेंट हम देखेंगे हाँ स्टूडेंट यू नो कि डेमोक्रेसी में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं जैसे स्टेट एलेक्शन होते हैं ना स्टेट लेजिसलेचर एलेक्शन हम चुनते हैं वोट से अपने एम एल ए को लेर ऑफ लेजस्टिव तो असेंबली को इसी तरह से पार्लियामेंट के भी एलेक्शन होते हैं ठीक है सेम तो पार्लियामेंट जो है पार, हम देखेंगे कि हमारा मुल्क जो है इसको डिवाइड किया गया है कंस्टिटेंसीज तो में तो 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 543 कंस्टिट्यूएंसीज़ फोर्टी है हमारे मुल्क में ठीक है कंस्टिट्यूएंसीज़ कंस्टिटुएंसीज हम किन को बोलेंगे ये आबादी के हिसाब से अलग अलग रखा जाता है कि मुल्क में अब आबादी के हिसाब से मुल्क को ये डिवाइड किया जाता है ठीक है पॉलिटिकली तो इसमें ये हमारा फिर हर एक कंस्टिटुंसी में लोग एक एक रिप्रेजेंटेटिव को कामयाब करते हैं और वो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है ठीक है तो कितने कंस्टिटुंसीज हैं इंडे में फाइव फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड एंड थ्री हाँ तो हर एक कंस्टिट्युंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव को जो कामयाब होता है, जिसको जिसको जो, जाता है वो बन जाता है एम पी क्या बन जाता है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है हाँ तो हम पार्लियामेंट जो इंडिया का है वो है बाई कैमरल बाई कैमरल हाँ तो जिसको लोग चुनते हैं यहाँ पे कंस्टिट्युंसीज में वो क्या बनता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम पी हमने लिखा हाँ बाई कैमरल हमारा लेजिस्लेचर है बाई कैमरल लेजिस्लेचर बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या है कि इसमें हमारा लेजिस्लेचर हो गया ना यही कि कानून बन जहाँ पे बनता है वो बॉडी ठीक है तो उसमें हमारा प्रेजिडेंट जो है वो इसका हेड है ठीक है प्रेजिडेंट इज़ हेड ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है प्रेसिडेंट हेड होता है इस लेजिस्लेटर का और इसमें दो हाउसेस होते हैं टू हाउसेस क्या क्या हाउस है आ, वो एक है लोकसभा लोकसभा एंड लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल ठीक है हाउस ऑफ द पीपल इसको आप याद रखेंगे हाउस ऑफ द पीपल और दूसरा हाउस है राज्यसभा ठीक है राज्यसभा इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स ठीक है इसको आप याद रखेंगे कि हमारे पार्लियामेंट में क्या क्या है क्या क्या मेंबर्स है ठीक है तो इसमें ग्रुप्स है एक है हाउस ऑफ लोकसभा राज्यसभा ठीक है तो ये हमारा पार्लियामेंट बनाते हैं ठीक है थीके? हाँ ओके